के कुतड़े और लंगेड़े बोलने की बात की है, अब हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। क्या ये 2024 के अंदर 100 पार्टी पंचायत मतलब होगी, हम उस पार्टी का तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, उस पार्टी की तरह आंख उठाएंगे, उस पार्टी के किसी भी साथी, हमारा एक भी साथी उस पार्टी के किसी भी सदस्य को वोट नहीं डालेगा। बड़ा फैसला हमने ये लिया है कि 20 जून के अंदर हम एमपी का घेराव करेंगे और हमारे जो गांव में है बीजेपी और जेजेपी के बहिष्कार के बोर्ड लगाए जाएंगे और हम 2024 के लिए इनका जो भी कच्चा चिट्ठा है उसको तैयार करेंगे और जो भी इनका इलेक्शन होगा उससे पहले हम गांव में इनकी जो भी कूटनीतियां रही हैं और कोई भी इनके कच्चे चिट्ठे हैं वो लोगों के सामने रखेंगे और 2024 के अंदर इसका बीजेपी और जेजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। तो जो कार्यक्रम होते हैं मंत्रियों के उनका विरोध किया जाएगा? पक्का विरोध करेंगे, किसी भी कीमत में कोई भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आज जो है आज आम जन जाग चुका है, एक सरपंच की लड़ाई नहीं है, ये आम ग्रामीण की लड़ाई हो चुकी है। आपने सभी देखा भी होगा कि आम ग्रामीण, नरेगा मजदूर, खाप पंचायतें हमारे साथ जुड़ के आई है और आम ग्रामीण जाग चुका है, क्योंकि आज जो जेजेपी ये सरकार जो जगह जगह जाके जनसंवाद कर रही है और वहाँ पे विरोध हो रही है, सामने दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बार बार चेतावनी भी देती रही हूँ कि 2024 के अंदर हम इसको सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। आपने पंचायत मंत्री के बारे में भी टिप्पणी की थी, पंचायत मंत्री के बारे में हमने टिप्पणी की, इस पंचायत मंत्री ने पहले किसान आंदोलन के अंदर किसानों को हम सभी को माँ बहनों की गालियां दी, अब पंचायतों को चोर पुतले लंगेड़े बोला, इसने पूरे ग्रामीण क्षेत्र की बेइज्जती करने का काम किया है। तो हम हमारे सभी ग्राम पंचायतों के साथियों ने प्रण लिया है कि 2024 के अंदर जो पार्टी पंचायत मंत्री को टिकट देगी हम उस पार्टी का तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, उस पार्टी की तरह आंख उठाकर नहीं देखेंगे, उस पार्टी के किसी भी साथी, हमारा एक भी साथी उस पार्टी के किसी भी सदस्य को वोट नहीं डालेगा। बीजेपी और जेजेपी का नाम लेके हमारे गांव के अंदर कुत्ता भी घुसने का काम करेगा वोटों के लिए, तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, किसी को भी किसी कीमत पे नहीं बख्शने वाले हैं। अब तो ये लोग प्रशासन का सहारा ले लेते हैं, हमें सिर्फ जो दुश्मनी है वो बीजेपी और जेजेपी के साथ है, कोई भी आ जाना चाहिए। आपका सुनना मैडम, संतोष बैनीवाल सिरसा जिले से हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष हूँ। जो इन्होंने असभ्य, आज हम लोगों ने फैसला लिया, सरकार को 10 दिन का टाइम दिया है, अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो 10 दिन के बाद हरियाणा के हर गांव के बाहर जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे और जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा गाँव के अंदर। और जब तक 2024 तक हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, हम महीने हर महीने अपना जिला सत्र पर अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे आंदोलन की, हमारा आंदोलन ऐसे जारी रहेगा और सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक बूथ 30 यूथ का काम करेंगे हम और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारे साथी टीमें बना बनाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और इन लोगों का जमकर विरोध किया जाएगा। जिला स्तर पर जारे रहेंगे तो आपके आंदोलन जिला स्तर पर, और 20 जून को 10 के 10 एमपी के घरों के घेराव किए जाएंगे। प्रधान जी काफी सरपंच नहीं पहुंचे, वो भी जुटा पाए सरपंच, सभी साथी को आप एक चीज देखो, जितनी संख्या यहाँ टेंट के अंदर थी उससे 3 गुना संख्या बाहर थी, क्योंकि गर्मी का सीजन है, आप लोग देख सकते हो जिनके अंदर चारों तरफ से जाम लगे हुए। प्रधान जी खाप प्रवक्ता ने कहा कि खापों से आपने अभी तक तालमेल नहीं किया उनको, तो क्या कारण है अभी तो खापों को साथ में क्यों लिया सर? हमारा आंदोलन 5 महीने चला हुआ है, अब पहले सरकार के साथ वार्तालाप चल रही थी, हम अपने सत्र पर लड़ रहे थे, लेकिन अब इस आंदोलन में हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और खापों को किसानों को सबको शामिल करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन सरपंचों का आंदोलन नहीं है, सरपंच तो इस बार हम है, आगे कोई और बनेगा, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। ये लोग पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं और जिस दिन पंचायती राज व्यवस्था खत्म होगी तो ग्रामीण क्षेत्र कमजोर हो जाएगा और उसी दिन तमाम शैला हो जाएगी। आपकी मांगे मुख्य का क्या होगा? हमारी मुख्य दो ही मांगे, पंचायती राज एक्ट लागू हो और राइट टू रिकॉल या तो लोकसभा और विधानसभा में भी लागू या ग्राम पंचायतों पर समाप्त हो, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि और हम भी चुने हुए प्रतिनिधि। जिला स्तर पर भी आपके कार्यक्रम रहेंगे आने वाले समय में, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, हम जिला स्तरीय अपना प्रोग्राम करते रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। किसी चैनल पे कुतड़े और लंगेड़े बोलने की बात की है, अब हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, हम मान सम्मान पे बहुत कुछ करेंगे और जी जान से, जैसे हमने पहला अपना इलेक्शन लड़ा है
ऐसा इलेक्शन हर सरपंच लड़ेगा, और हर सरपंच यदि एक सरपंच 300 वोटों का बदलाव करता है तो एक ब्लॉक में 30,000 वोटों का बदलाव होता है। और ये कोई 500 वोटों से बना है, कोई 2,000 वोटों से बना है, कोई 5,000 वोटों से बना है, इनकी सभी की जमानतें जब्त होंगी। आने वाला समय ऐसा आएगा, ये ग्राम सभा को क्या खत्म कर रहे हैं, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा समय आने वाला। आपका नाम जी? इसम सिंह जांबा, हमारे महासचिव इसम सिंह जांबा, प्रदेश महासचिव। सरकार को